Now we discuss about one very important and interesting and applied concept, that is Pascal's law. तो Pascal's law का पहले सबसे पहले statement देख लो, ये बहुत important है. Pascal's law का statement है, it state that the pressure applied to every point of an enclosed fluid at rest is transmitted equally and undiminished. Equally and undiminished to every point of the fluid and also on the wall of container, provided the effect of gravity is neglected. So इसका meaning क्या है Pascal's law का? तो देखो यहाँ पे Pascal's law state that pressure applied to any point of an enclosed fluid at rest. तो एक fluid है, इनक्लोज फ्लूड है, एट रेस्ट है, तो उसमें अगर कहीं भी प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर इक्वली एंड अनडिमिनिश, अनडिमिनिश मींस कम होते नहीं जाएगा, वो वैसा ही रहेगा. तो इक्वली एंड अनडिमिनिश टू एवरी पॉइंट ऑफ द ऑफ दैट फ्लूड एंड ऑल्सो ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, तो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. नाउ वी डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ Pascal's law. एप्लीकेशन ऑफ Pascal's law मैंने एग्जाम्पल में भी बताया कि हाइड्रोलिक लिफ्ट फर्स्ट एप्लीकेशन है. हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट इज ए मशीन विच इज यूज टू लिफ्ट द हेवी गुड्स और हेवी मशीनरीज और हेवी जस्ट लाइक ए कार. तो हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो फंक्शन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का जो वर्किंग है, वो वर्किंग यहाँ पे हमको ध्यान में लेना है और यहाँ पे देखना है कि हाउ द Pascal's law इज यूज हियर. तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल में मैंने लिया है कि एक हाइड्रोलिक लिफ्ट, आपको स्केमेटिक डायग्राम ऑफ द हाइड्रोलिक लिफ्ट दिख रही है. इसमें देखो क्या है कि एक यू शेप की ट्यूब है जिसका एक जो पार्ट है, वन पार्ट इज स्मॉल इन साइज, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है. देखो यहाँ पे एक क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है और अदर साइड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज्यादा है. मीन्स ए वन इज स्मॉल, ए टू इज लार्ज, वी कंसिडर इट्स ए वन एंड दिस इज ए टू. So, यहाँ पे ए वन बी द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वन लिम ऑफ द यू शेप ट्यूब एंड इट कंसिस्ट ऑफ ए लिक्विड एंड ए टू इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अदर पार्ट. तो दूसरा जो ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया है वहां पे हमने एक कार रख दी है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, उसमें हम फोर्स अप्लाई करने वाले हैं. तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फोर्स अगर अप्लाई करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम है, उसमें फोर्स भी कम अप्लाई करेंगे. मींस ऐसा कंसीडर करो कि हमारा वेट है 60 किलोग्राम, हम वहां पे खड़े रहते हैं और हमारा वेट उस पिस्टन को नीचे नीचे लेके जाएगा एंड कार हैविंग द लार्जर वेट देन अस, हमसे ज्यादा वेट है उसका, वो कार धीरे धीरे ऊपर आने लगेगी बिकॉज हियर Pascal's law इज अप्लाइड. How? देखो यहाँ पे Pascal's law कैसे अप्लाई होता है. तो यहाँ पे Pascal's law का स्टेटमेंट है कि इफ वी अप्लाई द प्रेशर एट एनी पॉइंट देन दिस प्रेशर इज प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड इनक्लोज फ्लूइड देन दिस प्रेशर इज ट्रांसमिटेड इक्वली. तो यहाँ पे प्रेशर देखो कैसा ट्रांसमिट होता है. सो कंसिडर यहाँ पे प्रेशर P1 है, लेफ्ट साइड में जो हमने सिलेंडर लिया है उसका प्रेशर P1 है. P1 इज इक्वल टू रहेगा F1 बाय A1 और जो अदर पार्ट है, जो कार में फोर्स लग रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है, वो प्रेशर है सपोज P2. P2 कितना रहेगा? P2 रहेगा F2 बाय A2. F2 ज्यादा लगेगा हमको क्योंकि कार का वेट ज्यादा है और A2 भी ज्यादा है हमारे पास में. F1 कम अप्लाई करने वाले हैं हम और A1 भी कम है. सो अकॉर्डिंग टू Pascal's law P1 इज इक्वल टू P2. अकॉर्डिंग टू Pascal's law P1 इज इक्वल टू P2. सो प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड. P1 जो प्रेशर हमने अप्लाई किया है वो ही प्रेशर P1 उतना का उतना ही ट्रांसमिट होगा कार पे. सो P1 इज इक्वल टू P2 मींस F1 बाय A1 is equals to F2 by A2.
F2 by A2। अगर यहां पे F1 है 1000 न्यूटन और A1 है सपोज A, A2 हमने लिया 5 times इनिशियल, यहां पे A1 A है और A2 को हमने 5A कर दिया, तो यहां पे F1 है 1000 न्यूटन, तो F2 कितना रहेगा, F2 कितना रहेगा, तो F2 भी 1000 के 5 टाइम्स होगा, because F1 by A1 is equals to F2 by A2, means हमारा जो फोर्स है वो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कितना अप्लाई होगा, 5000 न्यूटन, दैट इज 5 टाइम्स ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो यहां पे कम फोर्स अप्लाई करके ज्यादा फोर्स हम यहां पे हमको मिल रहा है, तो दैट बाय यूजिंग द पास्कल्स लॉ, दैट इज F1 by A1 is equals to F2 by A2, दिस इज पास्कल्स लॉ। नाउ सेकंड एग्जांपल लेते हैं पास्कल्स लॉ का, सेकंड एग्जांपल इज हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स गाड़ियों में अभी हाइड्रोलिक ब्रेक्स आते हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक्स मींस ब्रेक्स कंसिस्ट ऑफ ए लिक्विड एंड व्हिच वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल्स लॉ। तो उसमें ब्रेक्स में ऑयल होता है, एक लिक्विड होता है, यहां पे ब्रेक का पैडल जैसे अप्लाई किया जाता है, वी अप्लाई सम फोर्स ऑन द मास्टर सिलेंडर, वहां पे एक मास्टर सिलेंडर रहेगा, दिस इज स्केमेटिक डायग्राम ऑफ द हाइड्रोलिक ब्रेक्स। तो ये मास्टर सिलेंडर है, मास्टर सिलेंडर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मास्टर सिलेंडर इज स्मॉल, वी अप्लाई द ब्रेक, वी अप्लाई द फोर्स ऑन द पैडल बाय दैट्स अ ब्रेकिंग सिस्टम। तो ब्रेक अप्लाई करते हैं मींस हम पैडल पे फोर्स अप्लाई करेंगे, पैडल पे जब फोर्स अप्लाई होता है तो मास्टर सिलेंडर का जो पिस्टन है वो आगे की तरफ जाएगा, और वो पिस्टन आगे की तरफ जाता है तो जो फ्लूड, ये जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, दिस मास्टर सिलेंडर अप्लाई सम प्रेशर ऑन द फ्लूड इनसाइड द ब्रेकिंग सिस्टम, तो वो फ्लूड पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन द फोर व्हील्स, ऑन द ब्रेक सिस्टम ऑफ द फोर व्हील्स। देर आर अगेन सिलेंडर्स एट द ब्रेक शूज, दिस इज नोन एज अ स्लेव सिलेंडर। स्लेव सिलेंडर हैविंग द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द मास्टर सिलेंडर, सो व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर एट मास्टर सिलेंडर देन दिस प्रेशर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फोर व्हील ब्रेकिंग सिस्टम एंड दिस स्लेव सिलेंडर्स आर expanded or slave cylinders are applied the pressure on the brake shoes and these brake shoes try to stop or try to reduce the speed of the wheel, that is the it apply the opposing torque to the wheel and the speed of car going slow or it just stop, so that is the braking system, that is the hydraulic brakes। Now we see about the measurement of pressure। तो प्रेशर का मेजरमेंट लेना है, तो प्रेशर के मेजरमेंट के लिए दो इंस्ट्रूमेंट यहां पे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज मर्क्यूरी बैरोमीटर। बैरोमीटर सुना है आपने, बैरोमीटर, मर्क्यूरी बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए मर्क्यूरी बैरोमीटर यूज किया जाता है। हम बाद में देखेंगे हम कि मर्क्यूरी ही क्यों यूज किया जाता है। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर क्या है, देखो मर्क्यूरी बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर मर्क्यूरी बैरोमीटर कैसे मेजर करता है, तो ये मर्क्यूरी बैरोमीटर की एक एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, इट इज ऑल्सो एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट हम भी परफॉर्म कर सकते हैं मर्क्यूरी बैरोमीटर का। तो वहां पे क्या होता है कि इन मर्क्यूरी बैरोमीटर देयर इज वन वेसल कंसिस्ट ऑफ मर्क्यूरी, यहाँ पे एक वेसल है जिसमें मर्क्यूरी की आपको ये लेवल दिख रही है, वेसल में मर्क्यूरी डाला, उसके बाद में देयर इज वन ट्यूब, दिस ट्यूब नियरली 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर से थोड़ी कम ज्यादा रही तो चलता, लेकिन उसकी हाइट बहुत ज्यादा यानी 1 मीटर तक होनी चाहिए। तो 1 मीटर मर्क्यूरी की ट्यूब है ग्लास ट्यूब, दिस ग्लास ट्यूब फिल्ड विथ मर्क्यूरी, ग्लास ट्यूब में मर्क्यूरी भरना है और एंड दिस ट्यूब इज नाउ इन्वर्टेड इन द मर्क्यूरी वेसल, उस ट्यूब को हमको इन्वर्ट करना है, उल्टा करना है मर्क्यूरी वेसल में। मर्क्यूरी वेसल में वो ट्यूब को उल्टा कर दिया तो क्या होगा, इट इज फाउंड दैट
द लेवल इनसाइड द ट्यूब ऑफ मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरी की लेवल यहां पे नीचे आएगी, मर्क्यूरी यहां पे ऊपर से डिप्रेस होगा एंड एट द टॉप ऑफ दिस ट्यूब इट देयर इज अ क्रिएट अ वैक्यूम, वहां पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा. दिस इज ऑल्सो नोन एज टोरीसिरी वैक्यूम. टोरीसिरी वी नो दैट टोरीसिरी इज अगेन वन यूनिट ऑफ प्रेशर. टोरीसिरी जैसा बार यूनिट है प्रेशर का, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, पास्कल है, वैसा ही एक यूनिट है टोरीसिरी. तो दिस इज टोरीसिरी वैक्यूम. तो वहां पे वैक्यूम क्रिएट होगा. कंसिडर दिस पॉइंट इज ए, दिस इज द मेनिस्कस ऑफ मर्क्यूरी इन द ट्यूब. इट इज डेफिनेटली इट इज कॉन्वेक्स. हम सरफेस टेंशन में डिस्कस करेंगे कि ये कॉन्वेक्स क्यों रहता है. तो ये मर्क्यूरी का मेनिस्कस है इनसाइड द ट्यूब. दिस पॉइंट इज कंसिडर ए. यहां पे बॉटम देखेंगे हम एट द सरफेस ऑफ द मर्क्यूरी इन द वेसल. तो बॉटम जो ट्यूब के अंदर है उस पॉइंट को कहेंगे हम बी. दिस इज कंसिडर बी. और यहां पे वेसल में जो मर्क्यूरी है तो मर्क्यूरी का सरफेस उस पे एक पॉइंट कंसिडर करेंगे हम सी. कंसिडर पी ए बी द प्रेशर एट ए, पी बी बी द प्रेशर एट बी एंड पी सी बी द प्रेशर एट पॉइंट सी. यहां पे प्रेशर है पी ए, यहां पे पी बी और यहां पे पी सी. तो मर्क्यूरी बैरोमीटर में यहां पे ये प्रेशर का कैलकुलेशन करना है हमें. तो देखो यहां पे पी ए इज जीरो, प्रेशर एट पॉइंट ए इज जीरो. क्यों जीरो रहेगा प्रेशर? क्योंकि वैक्यूम का प्रेशर जीरो रहता है. तो प्रेशर ऑफ वैक्यूम इज जीरो. यहां पे वैक्यूम है तो उसका प्रेशर जीरो रहेगा. पीबी इज इक्वल टू पीसी, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम लेवल पे है. बी पॉइंट और सी पॉइंट एक ही लेवल में है. बी इनसाइड द ट्यूब है और सी आउटसाइड द ट्यूब है, लेकिन वो एक ही लेवल में है. सो प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी. एंड प्रेशर एट सी इज नथिंग बट इट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर. एटमोस्फियर का मर्क्यूरी की सरफेस पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, जहां पे हम जहां पे खड़े हैं हम पे भी एटमोस्फियर का एयर का एयर इज ऑल्सो फ्लूड, तो उसका प्रेशर अप्लाई होता है और उस प्रेशर को कहते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर. सो प्रेशर एट सी इज इक्वल टू प्रेशर एट बी इज इक्वल टू प्रेशर एट सी. एंड दिस प्रेशर एट सी इज नथिंग बट इट इज अ पी जीरो, दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर. सो वी नो दैट वन रिलेशन PB, pressure at B, that is pressure at bottom is equals to pressure at top plus H rho G. H rho G is the gauge pressure. So PB is equals to PA plus H rho G. PA is zero. PA vacuum ka pressure hai, toh zero rahega. So P zero, that is atmospheric pressure. PB ko humne PC ya P zero likh diya. P zero is equals to H rho G. H is height of mercury column inside the tube. Rho is density of mercury and g is acceleration due to gravity at a place. तो laboratory में हम experiment perform करते हैं तो g की value रहेगी 9.8. So h rho g. So atmospheric pressure is h rho g. अगर normal atmospheric pressure है, ऐसा consider करो कि normal atmospheric pressure है. Normal atmospheric pressure हमने NTP जो pressure हम normal pressure बोलते हैं, वो pressure देखा है हमने, वो रहता है 1.013 into 10 raised to power of 5 pascal or newton per meter square. So normal pressure रहता है P is equals to 1.013 into 10 raised to power of 5 pascal. ये atmospheric pressure रहता है. ये atmospheric pressure आया कैसे? P 1.013 into 10 raised to power of 5 pascal. ये normal pressure आया कैसे? तो इसके लिए calculation देखो. तो ये जो एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करेंगे, अगर यहां पे प्रेशर नॉर्मल है तो मर्क्यूरी कॉलम की हाइट हियर, यहां पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं हम, तो एक्सपेरिमेंट में मर्क्यूरी कॉलम की जो हाइट है, हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम आएगी 76 सेंटीमीटर और मिलीमीटर में 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी. नॉर्मल प्रेशर को हम 760 मिलीमीटर ऑफ एचजी भी बोलते हैं. तो नॉर्मल अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो उसका एक्सपेरिमेंट में हाइट रहेगी. हाइट कैसे मेजर करेंगे? स्केल से यहां तक हाइट मेजर की, तो ये हाइट रहेगी 76 सेंटीमीटर. यसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे 0.76 मीटर. 76 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया
दैट इज 0.76 मीटर। रो भी द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, मर्क्यूरी की डेंसिटी आपको पता है, मर्क्यूरी की डेंसिटी है 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एंड जी की वैल्यू एज यूजुअल रहेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो ये सभी वैल्यू अगर डालते हैं, पी जीरो इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर नॉर्मल प्रेशर निकालते हैं तो एच रो जी, एच की वैल्यू 0.76, रो की वैल्यू 13600, जी की वैल्यू 9.8, बाय कैलकुलेटिंग इट आंसर आएगा 1.013 इंटू 10^5 इन एसआई यूनिट, सो इट्स अ पास्कल, सो इट्स अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1.013 इंटू 10^5 पास्कल, तो दिस इज नॉर्मल प्रेशर। अगर नॉर्मल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बढ़ता है, यहां पे इमेजिन करो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर इंक्रीज होता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर यहां पे इंक्रीज हुआ तो ये बैरोमीटर में लिक्विड कॉलम, मर्क्यूरी कॉलम जो है उसकी हाइट बढ़ेगी, और हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, बिकॉज एच रो जी, पी जीरो इज इक्वल टू एच रो जी। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर चेंज आता है तो यहां पे वो कॉलम कम ज्यादा होगा, अगर इंक्रीज होता है तो कॉलम की हाइट इंक्रीज होगी, अगर प्रेशर डिक्रीज होता है तो कॉलम की हाइट डिक्रीज होगी। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय यूजिंग मर्क्यूरी बैरोमीटर। तो यहां पे और एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि वाटर क्यों यूज नहीं किया, वाटर इज इजीली अवेलेबल, वाटर तो बहुत इजीली अवेलेबल है, तो मर्क्यूरी की जगह वाटर क्यों यूज नहीं किया होगा, कर नहीं सकते क्या? वाटर या कोई भी लिक्विड हम यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा है, मर्क्यूरी की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम फाइंड आउट करते हैं तो वो बैरोमीटर में हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम आ रही है 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर मींस इट्स अ स्लाइटली लेस देन 1 मीटर। अगर मर्क्यूरी की जगह हमने वाटर यूज किया तो क्या होगा, तो वाटर की डेंसिटी मर्क्यूरी से 13.6 टाइम्स लेस है, तो वाटर कॉलम की जो हाइट है वो मर्क्यूरी से नियर अबाउट 13.6 टाइम्स ज्यादा रहेगी। अगर 76 सेंटीमीटर को 13 से मल्टीप्लाई करते तो इट्स नियर अबाउट 10 मीटर, 10 मीटर हाइट की आपको ट्यूब लेनी पड़ेगी वाटर की, एंड इट इज नॉट पॉसिबल इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं, क्योंकि हमारा जो सीलिंग रहता है जनरली 10 फीट या 3-4 मीटर रहता है, तो इट इज नॉट पॉसिबल, 10 मीटर की ट्यूब नहीं ले सकते, इसलिए हम यहाँ पे मर्क्यूरी यूज करते हैं, तो दैट इज मर्क्यूरी बैरोमीटर। नाउ वी सी अबाउट द ओपन ट्यूब मैनोमीटर। ओपन ट्यूब मैनोमीटर इज यूज टू मेजर द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर और प्रेशर इनसाइड एनी मटेरियल। तो यहाँ पे कंटेनर डी लिया हमने और इसका प्रेशर हमको मेजर करना है, इसके अंदर जो प्रेशर है, इसके अंदर जो भी मटेरियल है, गैस होगा, फ्लूइड होगा, उसका प्रेशर मेजर करना है। तो उसका डायग्राम देखो यहाँ पे, तो दिस इज ओपन ट्यूब मैनोमीटर, इट कंसिस्ट ऑफ ए यू शेप ट्यूब, वन आर्म ऑफ यू शेप ट्यूब इज ओपन एंड सेकंड आर्म इज कनेक्टेड टू द कंटेनर, कंसिडर दिस कंटेनर इज डी विच प्रेशर is to be calculated. It consists of liquid. हमको यहाँ पे partly liquid भरना है and this liquid having the low density liquid, just like water or we can use a kerosene or we can use some oils also. So low density liquid. Low density liquid क्यों use करना है? क्योंकि अगर low density liquid रहता है तो low density liquid यहाँ पे जो लेवल का डिफरेंस है वो ज्यादा देगा, द लेवल डिफरेंस इज ग्रेटर इन लो डेंसिटी लिक्विड। अगर हेवी डेंसिटी का लिक्विड है, ज्यादा डेंसिटी का लिक्विड है, तो ये मर्क्यूरी, ये अगर लेवल का जो डिफरेंस है वो बहुत कम रहेगा एंड इट इज डिफिकल्ट टू मेजर। सो यहाँ पे लो डेंसिटी लिक्विड लिया, पार्टली फिल दिस यू शेप ट्यूब विद द लो डेंसिटी लिक्विड, दिस इज स्केमेटिक डायग्राम ऑफ द ओपन ट्यूब
मैनोमीटर। तो इसमें क्या होता है देखो कि कंसिडर पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। पी ए बी द प्रेशर एट पॉइंट ए, पॉइंट ए इज ओपन टू द एटमोस्फियर, सो प्रेशर एट ए इज नथिंग बट इट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर। सो पी ए इज पी जीरो, दैट इज एटमोस्फेरिक प्रेशर। पी बी इज द प्रेशर एट बी, बी इज द पॉइंट विच इज इन द सेम लेवल एज दैट ऑफ पॉइंट सी। पी सी इज द प्रेशर एट पॉइंट सी एंड धिस प्रेशर, प्रेशर एट पॉइंट सी इज नथिंग बट इट इज द प्रेशर इन साइड द कंटेनर, प्रेशर ऑफ फ्लूड और प्रेशर ऑफ एयर इन साइड द कंटेनर डी। ये कंटेनर का हमको जो प्रेशर मेजर करना है ये रहेगा पीसी। तो पीसी और पीबी सेम रहेगा। पीसी और पीबी सेम क्यों है? बिकॉज पीसी एंड सी एंड बी पॉइंट आर इन द सेम लेवल। सो अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला, हमने ये फॉर्मूला डिराइव भी किया था, पीबी प्रेशर एट बॉटम इज इक्वल टू प्रेशर एट टॉप प्लस गेज प्रेशर, दैट इज एच रो जी। एच इज द लेवल डिफरेंस, दैट इज द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम रेज ड्यू टू दिस प्रेशर। ये प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होगा, ये लिक्विड कॉलम अगर यहां पे कंटेनर कनेक्ट नहीं किया तो क्या होगा, लेवल इन द बोथ आर्म इज सेम। यहां पे कंटेनर का प्रेशर अगर ज्यादा रहता है तो ये नीचे जाएगा, ये लिक्विड ऊपर आएगा। तो यच बी द हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम रेज ड्यू टू दिस प्रेशर। सो पीबी इज इक्वल टू पी ए प्लस एच रो जी। So PB is nothing but it is PC and PC is nothing but it is the pressure of the container or pressure inside the container. So PC is equals to P0. P0 is the atmospheric pressure plus H rho g. H is height, rho is again density of liquid used and g is 9.8. So by using this formula we can calculate the pressure inside the container. So this is open tube. Dear friends, in these two part, that is mechanical properties of fluid part 1, mechanical properties of fluid part 2, in these two part we discuss about the pressure, we discuss some points related to pressure. In next lecture we will discuss about one important topic of hydrostatic, that is the fluid at rest, and this topic is surface tension. Okay, thank you so much.